मध्य प्रदेश में बेमौसम गरज चमक के साथ बारिश होने का सिलसिला जारी है। मलाज खंड में 16, खजुराहो में 6.4, मंडला में 5, छिंदवाड़ा में 2, शिवनी में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। इस दौरान ओले भी गिरे। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। मौसम वैज्ञानिक H.S. पांडे के द्वारा बताया गया कि रविवार को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के भी उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इस वजह से अभी 3-4 दिन तक मौसम साफ होने की संभावना नहीं है। रविवार को भी मध्य प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान ओले भी गिरने की आशंका है। देखिए उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है और इसके कारण राजस्थान के ऊपर में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। एक तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में और एक उत्तरी भाग में। दक्षिणी राजस्थान से लेकर के नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी तक एक द्रोणिका लाइन पास हो रही है। साथ ही साथ एक झारखंड से लेकर के साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक एक द्रोणिका लाइन पास हो रही है। तो इनके प्रभाव से प्रदेश में नमी की मात्रा पर्याप्त मिल रही है और यही देखेंगे कि हम जो दोपहर के बाद का समय है जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये मॉइस्चर एक्युमुलेट होकर के बादलों का रूप लेते हैं और गरज चमक के बादल बनते हैं। साथ ही साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होती है। पिछले 24 घंटों में देखेंगे तो प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर छतरपुर के खजुराहो में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। साथ ही बुरहानपुर खखनार में 3, रायसेन सिलवानी में 3, शिवपुरी में 3 सेंटीमीटर, देपालपुर इंदौर के देपालपुर में 3 सेंटीमीटर, भोपाल नबीबाग में 2 सेंटीमीटर और सिटी में 1 सेंटीमीटर, सीहोर में 2 सेंटीमीटर। तो बारिश के आंकड़े कई जगह प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ ओलावृष्टि की भी सूचना मीडिया के थ्रू हमको मिल रही है, जिसमें धार, झाबुआ, इंदौर, मंदसौर, भोपाल यहां पर ओलावृष्टि हुई है। तो देखेंगे अब ये स्थिति अभी 19 और 20 दो दिन आज और कल बनी रहेगी। 21 तारीख से थोड़े बादलों के दौर हो जाएंगे, बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है और 22 से फिर मौसम साफ होने की उम्मीद लग रही है। तो ये स्थिति अभी दो दिन और बने रहने की संभावना है। तो इस तरह से बेमौसम बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके चलते किसानों के सामने फिर से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।